हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा पंचायत इलेक्शंस 2022 हरियाणा में दो चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य चुनाव आयुक्त ने कही ये बात। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव का इंतजार जल्द खत्म होगा। एक सप्ताह के अंदर ही पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है, साथ ही अक्टूबर से पहले सप्ताह में चुनाव कराने की तैयारी है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर सरकार को फैसला लेना है, इसके लिए कैबिनेट की बैठक होगी। जैसे ही वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट मिलेगी वैसे ही चुनाव का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने फिर दोहराया कि हरियाणा में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव कराने के लिए आयोग की ओर से जिला स्तर पर आवश्यक सामग्री भेजी जा चुकी है। जहां बजट की जरूरत थी वहां बजट भेजा जा चुका है। आयोग के पास करीब 70,000 EVM है, जिनमें से इन चुनाव के लिए लगभग 40,000 पर्याप्त होंगी। भारत कंपनी की ओर EVM की जांच भी की जा चुकी है। बैलेट पेपर छपवाने का कार्य, नॉमिनेशन से नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने तक के बाद करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचों के लिए बैलेट पेपर्स की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। गांव में 7 से लेकर 20 तक वार्ड होने के कारण पंच पदों के प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा रहेगी। उन्होंने कहा कि घोषणा के बाद एक माह के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा होने के बाद चुनाव कराने में कम से कम एक माह का वक्त लगेगा। हमारी तरफ से चुनाव की सारी तैयारी की जा चुकी है, EVM की भी जांच की जा चुकी है, रिजर्वेशन की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके तुरंत बाद शेड्यूल जारी हो जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव की निश्चित डेट बताना अभी संभव नहीं। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पिछले 1.5 साल से चुनाव नहीं हो सके हैं, यह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारी तरफ से अब पूरी तैयारी की जा चुकी है। जल्द से जल्द पंचायत चुनाव को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।